बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10th, स्टूडेंट यूनिट नंबर 2, एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 1 to 14। आज की क्लास हमारा टारगेट है। और स्टूडेंट आइए देखते हैं 2.6 में क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे नज़र डालते हैं। द nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर, nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर की बात हो रही है। स्टूडेंट पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.5 के अंदर आपने स्क्वायर रूट को पढ़ा था और अब बात हो रही है एंथ रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा स्टूडेंट, ये बात आपको बता दूं, यहां ही से एक बात आप समझने शुरू कर दें कि स्क्वायर रूट का मतलब रेडिकल साइन जब किसी नंबर पे हो तो उस रेडिकल साइन को अगर आप हटाएं तो 1/2 पावर उसके ऊपर लिखी जा सकती है। 1/2 पावर सिर्फ अगर रेडिकल साइन लगा है। लेकिन अब बात nth रूट की हो रही है, हमेशा 1/2 पावर या स्क्वायर रूट ही नहीं होगा, कोई nth रूट की बात हो रही होगी। जब स्क्वायर रूट होता है तो हम दो का पेयर जब बनता है, दो दो के जोड़े में से एक को बाहर निकाल लेते हैं रेडिकल साइन के। अब nth रूट की बात आ रही है, गोया क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट या कोई भी nth रूट। तो इधर आपको जिक्र कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यू समझे कि अगर कोई नंबर y है और x है, y की पावर n करके अगर x लिखा हुआ है, x और y अगर कोई रियल नंबर है, n कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर पॉइंट्स में नहीं होल फिगर में, तो y की पावर n इज इक्वल्स टू, अगर x फॉर एग्जाम्पल यू समझ लें 5 की पावर 3 बराबर है लिखा हुआ है 125, 5 की पावर 3 बराबर है अगर 125 लिखा हुआ है तो आप देन y क्या कहला रहा होगा, प्रिंसिपल nth रूट ऑफ x कहला रहा होगा। y इज द प्रिंसिपल nth रूट ऑफ x और यूं आप लिख सकेंगे गोया 5 बराबर है 125 इधर और ये क्यूब रूट 3 इधर लिखा हुआ आएगा। मैं फिर से आपको बताऊं, 5 की पावर 3 बराबर है अगर लिखा हुआ 125 तो लिखा जा सकता है 5 बराबर है 125 का nth रूट यानी थर्ड रूट या क्यूब रूट, 3 अगर हो n की जगह तो ये क्यूब रूट कहलाता है, 2 हो तो स्क्वायर रूट, और 2 को हम लिखते नहीं है, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो अंडर स्टूड है, वहां n की जगह 2 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट है, 3 लिखा है तो क्यूब रूट, 4 लिखा है तो फोर्थ रूट, 5 लिखा है तो फिफ्थ रूट, 6 लिखा है तो सिक्स्थ रूट एंड सो ऑन। तो मैंने आपको अच्छा इसी तरीके से पिछली एक्सरसाइजेस में आप ये कर रहे थे, जैसे ये 4 का स्क्वायर बराबर है अगर 16 के तो आप उसको यूं लिख सकते थे 4 बराबर है 16 का स्क्वायर रूट, 4 बराबर है 16 का स्क्वायर रूट यानी 16, अगर 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, अगर 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है तो 4 बराबर है √16। और ये हो स्टूडेंट यू रहा है कि 1/2 पावर यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दी, 1/2 पावर यहां भी लिख दी, 1/2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, यहां जो 1/2 पावर लिखी गई है वो स्क्वायर रूट की शक्ल अख्तियार कर गई। यहां पर भी यही हुआ, y की पावर n बराबर है x, 1/n पावर यहां भी लगा दी, 1/n पावर यहां भी लगा दी, 1/n और n आपस में कैंसिल हो गए, y रह गया सिर्फ और x के ऊपर जो 1/n पावर है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/ जो भी n लिखा होगा उसको रेडिकल साइन और साथ में इधर n लिख सकते हैं। यहां पर ये जो n के साथ रेडिकल साइन है ये कहलाता है प्रिंसिपल nth रूट, ठीक है, एंड द प्रिंसिपल nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर इज द पॉजिटिव रूट उसका कहलाता है। जब इसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं जो आंसर आता है वो उसका पॉजिटिव रूट कहलाता है। इन दिस एक्स जो है जो इस पॉजिटिव प्रिंसिपल nth रूट के अंदर लिखा हुआ है, एक्स जो लिखा हुआ है ये रेडिकेंड कहलाता है और एन इज कॉल्ड द इंडेक्स। मैं आपको पिछली क्लास के हवाले से बता दूं कि वहां पर हम ये इंडेक्स नहीं शो कर रहे होते थे, एन जो इंडेक्स है वो शो नहीं कर रहे होते थे, ये 2 जो इधर लिखा हुआ है ये 2 इधर नहीं लिखा जाता था, अभी यहां पर जो n लिखा हुआ है यहां पर ये लिखा जा रहा है, तो अगर ये 2 हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, या खाली अगर ये रेडिकल साइन हो तो अंडर स्टूड है कि यहां
स्क्वायर रूट है, 2 लिखा हुआ है, और अगर हम लिख दें तो वो 3 है, 4 है, 5 है, तो वो हमें लिखना होगा। तो ये n जो है ये इंडेक्स ऑफ द रूट कहलाता है, और इस रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो रेडिकेंट कहलाती है। तो रिमेंबर दैट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, या यू समझ लें n कोई नेचुरल नंबर होगा, एंड वी हैव डिफाइंड ओनली द प्रिंसिपल nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। हम पॉजिटिव रियल नंबर x की सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू यानी पॉजिटिव रूट को डिस्कस करेंगे। और यहां मैंने जैसे अभी आपको बताया कि रूट n ऑफ x इज ऑल्सो रिटर्न एज x की पावर 1 अपॉन n। एक्सरसाइज 2.7 में हम इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करेंगे, x की पावर 1 अपॉन n। और अगर सिर्फ स्क्वायर रूट लिखा हुआ हो, जैसे कि पिछली क्लास में लिखा होता था स्क्वायर रूट 16, इसके अंदर 16 की पावर 1 अपॉन 2, ये 4 की पावर 2 बराबर है 16, 1 अपॉन 2 पावर इधर भी अप्लाई की, 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू इधर भी अप्लाई की, 1 अपॉन 2 और 2 तो आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 रह गए, और 16 के ऊपर हाफ पावर आ गई। तो 16 के ऊपर हाफ पावर, हाफ पावर अगर आप ना लिखें तो ये रेडिकल साइन आ गया। तो एक्स के ऊपर अगर nth रूट हो, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी, तो ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं x की पावर 1 अपॉन n। फॉर एग्जाम्पल रूट 16 बराबर है 4, क्योंकि रूट का मतलब 1 अपॉन 2 पावर, और 16 4 की पावर 2 लिखा जा सकता है, पावर की होल पावर मल्टीप्लाई हुई, 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ इज 1, 4 की पावर 1। अब ये देखो यहां से बात समझना शुरू करो, ये क्यूब रूट ऑफ 8 है, 8 रेडिकेंड है, 3 उसका इंडेक्स है, 8 को आप लिख सकते हो क्या 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 ये है, और ये जो क्यूब रूट है ये 1 अपॉन 3 पावर बना, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3 1, ये 2 रह गया 81, और ये फोर्थ रूट। अब एक तरीका तो ये कि 81 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 3 है, 4 और फोर्थ रूट लिया जा रहा है, तो 4 के पेयर में से एक 3 बाहर आ गया, वरना आप इसको हम कर यूं रहे होंगे कि 3 की पावर 4 लिखेंगे 81 को, ये जो 4 है इंडेक्स ये 1 अपॉन 4 बन जाएगा, 3 की पावर 4 और ओवरऑल 1 अपॉन 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4, 4 4 से कैंसिल, जस्ट 3 रहे। 64 के सिक्स्थ रूट, तो 64 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स 2 बनता है, 2 की पावर 6 लिखा जा सकता है, और ये जो सिक्स्थ रूट है 1 अपॉन 6 बना, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 6 कैंसिल होके जस्ट क्या बचा स्टूडेंट, 2 की पावर 1 और 2। ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट्स हैं, क्यूब रूट हैं, फोर्थ रूट एंड सिक्स रूट ऑफ 16, 8, 81 एंड 64 लिख आपको बताए। और फिर इधर आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं, क्या हैं कि अगर nth रूट ऑफ x बराबर है वाई है, तो हम इसको रिवर्स फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं, y की पावर n बराबर x। कैसे हो रहा है ये, x की पावर 1 अपॉन n बराबर है y लिखा जा सकता है, 1 अपॉन n को 1 में तब्दील करने के लिए दोनों तरफ n पावर अप्लाई कर दी, 1 अपॉन और n आपस में कट गए, y के ऊपर सिर्फ n रहेंगे। ऐसे ही अगर nth रूट ऑफ x और होल पावर अगर n लगी हो तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इससे क्या मतलब निकलना है, 1 अपॉन n, 1 अपॉन n मल्टीप्लाई बाय n कैंसिल हो गया x। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ x हो और उसका होल स्क्वायर आया हुआ हो तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। तो इस क्यों nth रूट हो और होल पावर n हो तो n और nth इंडेक्स कैंसिल हो गया, x रह गया। ऐसे ही ये nth रूट ऑफ एक्स वाई हो तो अलहदा अलहदा nth रूट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय nth रूट ऑफ y लिखा जा सकता है। इसी तरीके से nth रूट ऑफ x हो डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ x हो, ये तो एग्जैक्टली सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, कैंसिल होके 1 आ गया। ठीक है, तो ये तो कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की हमने बात की, अब हम मजीद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल 1 में कह रहे हैं कैलकुलेट करो फिफ्थ रूट ऑफ 243, 243 के प्राइम फैक्टर निकाले जाएं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 जो आपका तरीकेकार है प्राइम फैक्टर निकालने का, बाकायदा आप वैसे निकालेंगे कि 3 की पावर 5 बनता है, तो फिफ्थ रूट ऑफ 243 हम लिख सकते हैं फिफ्थ रूट ऑफ 3 की पावर 5। अभी हमने जाना प्रॉपर्टीज में कि nth रूट हो और होल पावर n हो तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यहां भी गोया ये हो रहा है nth रूट है और ओवरऑल पावर 5 भी है, 5 और 5 कैंसिल हो गए,
और आप इसको अगर फ्रैक्शन में लिख लें, ये जो 5 इंडेक्स है इसको 1/5 लिखा जा सकता है, पावर की होल पावर आपस में मल्टीप्लाई हुई, कैंसिल होके 3 की पावर 1 जस्ट 3। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए एग्जांपल 2 में सिंप्लीफाई, 625 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 8, वाई की पावर 12, ये जो फोर्थ रूट है इसको 1/4 डाला जा सकता है, होल पावर 1/4। ये 1/4 पावर 625 पे भी आनी है, x की पावर 8 पर भी आनी है, y की पावर 12 पर भी आनी है। 625 5 × 5 × 5 × 5 यानी 5 की पावर 4 लिखा जा सकता है। पावर की होल पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 4 और 1/4 एक दूसरे को कैंसिल करके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल होके 5 रह जाएगा। x की पावर 8 और होल पावर 1/4, पावर की होल पावर एक दूसरे के कैंसिल करेंगे, 4 × 2 = 8, x की पावर 2 रह जाएगा। पावर की होल पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी, 4 × 3 = 12, 5 की पावर 3 होगी, तो 5x² y की पावर 3। ऐसे ही एग्जांपल 3 को देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफाई करना है इसको, क्यूब रूट है पूरे के ऊपर, तो इस पूरे के ऊपर 1/3 पावर आ जानी है। 216 क्या लिखा जा सकता है, 6 की पावर 3 लिखा जा सकता है। 125 5 की पावर 3 लिखा जा सकता है। तो इस पूरे पे जो 1/3 पावर आई हुई थी, 1/3 पावर 6 के ऊपर भी पावर 3, 1/6 की पावर 3 होल पावर 1/3, x की पावर 3 होल पावर 1/3, y के पावर 6 होल पावर 1/3, 5 की पावर 3 होल पावर 1/3, x की पावर 6 होल पावर 1/3, z की पावर 9 होल पावर 1/3। और जब ये आपस में मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई हुई तो आपके पास 6xy² / 5x² z³ बचा। मजीद अब आप देखिए बेसिस सेम है, पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हुई, अगर आप ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 − 2 − 1 जवाब आएगा, और नेगेटिव एक्सपोनेंट आप जानते हो कि हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, तो बेहतर है कि एक्स ऊपर छोटा है, पावर छोटी है एक्स की ऊपर, नीचे बड़ी है, नीचे ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दे, 2 − 1 1, तो नीचे एक्स रह गया, ऐसे ही वाई स्क्वायर ऊपर रह गया, जेड की पावर 3 नीचे एज इट इज। तो स्टूडेंट इसको आपने थोड़ा सा गौर करना है, और कोई नई बात नहीं आई है, सिर्फ अब इतना हुआ है nth रूट आ गया है, ये nth इंडेक्स जो लिखा हुआ होगा n इंडेक्स 1/ करके n करके आपने अप्लाई करना है, बाकी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो सारे वही पुराने अप्लाई हो गए, कोई नया लॉ आपके सामने नहीं रखा गया। अब जो आपकी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज 2.6 में पहले 5 क्वेश्चन में तो सिर्फ आपसे कह रहे हैं राइट डाउन द रेडिकेंट बता दें और इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग बता दें। अब रेडिकेंट क्या है इधर 35, इंडेक्स क्या है 4, रेडिकेंट क्या है xyz/t, इंडेक्स क्या है 5, रेडिकेंट क्या है 8/17, इंडेक्स क्या है 6, रेडिकेंट क्या है p/q और इंडेक्स क्या है n, रेडिकेंट क्या है 3xyz/ut, ये रेडिकेंट है और 5 इज द इंडेक्स। तो अब तक आप एक्सरसाइज 2.5 में स्क्वायर रूट सिर्फ डील कर रहे थे, जो कि क्लास 7 से आप पढ़ रहे थे, स्क्वायर रूट को इन फ्यूचर हम आप हटाएंगे तो 1/2 पावर डालेंगे। अब ये फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, nth रूट, फिफ्थ रूट, इन सबको अगर हटाएंगे तो 1/4, 1/5, 1/6, 1/n इस तरह से करके लिख लो, बाकी एक्सपोनेंट ही कहलाएगा 1/n जो भी होगा, आप उस एक्सपोनेंट या पावर को जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़े उसके मुताबिक सिंप्लीफिकेशन में इस्तेमाल करेंगे, और कोई नई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 14 तक अब आपने इसको पहले तो खुद डील करना है, मैं आज की क्लास में आपको सॉल्व नहीं करा रहा। 27 का क्यूब रूट है, आपने 27 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, 27 को 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब 3 की पावर 3 है और होल पावर 1/3 है, पावर की होल पावर वाला लॉ अप्लाई करें, जस्ट 3 रह जाएगा। ऐसे ही 625 का फोर्थ रूट, a की पावर 8 b की पावर 8, होल पावर क्या आ जाएगा 1/8, पावर की होल पावर का लॉ अप्लाई करें। 5/7 होल पावर 2 है और स्क्वायर रूट भी डला है, स्क्वायर रूट हटेगा तो 1/2 पावर आ जाएगी, ये इधर p वाला इंडेक्स हटेगा तो 1/p होल पावर आ जाएगी, ये 3 हटेगा इधर क्यूब रूट तो 1/3 होल पावर आ जाएगी। तो इसको ट्राई कीजिए अपने तौर पे, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है इस एक्सरसाइज के सॉल्व सॉल्यूशन के साथ इसी टॉपिक को एक दफ़ा फिर रिकॉल करेंगे इंशाल्लाह ताला। जज़ाकअल्लाह खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।